साथियों, आज भारत के बैंकों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो देश की इकोनॉमी को नई ऊर्जा देने में, एक बड़ा पुश देने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं इस फेज को भारत के बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा माइलस्टोन मानता हूं। लेकिन आपने देखा होगा, माइलस्टोन एक तरह से हमारी आगे की यात्रा का सूचक भी होता है। मैं इस फेज को भारत के बैंकों के एक नए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में भी देख रहा हूं। आपके लिए ये देश में वेल्थ क्रिएटर्स और जॉब क्रिएटर्स को सपोर्ट करने का समय है। जो अभी आरबीआई गवर्नर ने जॉब क्रिएशन की चर्चा की, मैं समझता हूं ये समय है। आज समय की मांग है कि अब भारत के बैंक अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ देश की बैलेंस शीट को बढ़ाने के लिए भी प्रोएक्टिव होकर काम करें। कस्टमर आपके पास, आपकी ब्रांच में आए, ये इंतजार मत कीजिए। आपके कस्टमर की, कंपनी की, एमएसएमई की जरूरतों को एनालाइज करके उनके पास जाना होगा, उनके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन देने होंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में और तमिलनाडु में दो डिफेंस कॉरिडोर बने। अब सरकार तेजी से वहां काम कर रही है। क्या उस कॉरिडोर के आसपास जुड़ी हुई जितनी बैंक ब्रांचेज है, क्या कभी उनको आपने बुलाया, उनसे मीटिंग की कि भाई डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, मतलब एक पूरा डिफेंस का नया सेक्टर यहां आ रहा है, बैंक प्रोएक्टिवली क्या कर सकती है? डिफेंस कॉरिडोर आने से ये चीज आने की संभावना है। कौन कौन कैप्टन्स हैं जो इसमें आएंगे, कौन छोटे 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 चेन होंगे, एमएसएमईज होंगे जो इसकी सपोर्ट सिस्टम में आएंगे, इसके लिए हमारा बैंक का अप्रोच क्या होगा, प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होगा, हमारी अलग अलग बैंकों के बीच में कंपटीशन कैसे होगी, द बेस्ट सर्विसेज कौन देता है, तब तो जाकर के भारत सरकार ने जिस डिफेंस कॉरिडोर की कल्पना की है उसको धरती पर उतारने में विलंब नहीं लगेगा। लेकिन ठीक है भाई, सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, लेकिन मेरा तो उसी पर ध्यान है। क्यों? और 20 साल से हमारा एक वेल सेटल्ड क्लाइंट है, चल रही है गाड़ी, बैंक भी चल रही है, उसका भी चल रहा है, हो गया। तो इससे होने वाला नहीं है।